हर पिंड दी अपनी एक वक्री नुहार हुंदी है। पिंड दे अंदर वड़दियां ही ए एहसास हो जांदा है कि पिंड किन्ना खुशहाल है, पिंड दे विच रौनक किवें दी है। पिंडां दे लोकां दी तंदरुस्त सोच अते समर्था फिरनी तो ही भाव मारन लग जांदी है। अज असीं पहुंचे हाँ पिंड लादड़ा। जलंधर जिले दा ए पिंड भोगपुर आदमपुर रोड ते है। अद्धों वध पिंड दे लोक पाकिस्तान तो आके इत्थे वसे ने। इस पिंड दे वासियां ने अपनी अणथक मेहनत अते NRI भरावां दे सहयोग दे नाल पिंड दे विच कम्यूनिटी हाल बनाया। डिस्पेंसरी ते पैसा लगा के सरकारी डॉक्टरां तो इलावा लोड़वंद लोकां दी मदद लई प्राइवेट डॉक्टर रखे। पिंड विच हर धर्म दे धार्मिक स्थानां तो इलावा सहकारी बैंक है। नौजवानां वास्ते जिम भी पिंड विच बनाया गया। होर की कुछ खास है इस पिंड दे विच, आओ दिखाउने आं तुहानूं पिंड लादड़ा दी रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी। अज असी पंजाबी नैशनल की टीम पिंड लादड़ा जिला जलंधर विच पहुँचे हुए हैं। इस पिंड की कुछ खास चीज़ा जिहड़ियां ने अज असी आप नाल सांझियां कर रहे हैं। इस पिंड दे विच एक सांझा कम्युनिटी हाल बनाया गया है जो कि सारे लोड़वंदां दे काम आउंदा है। पिंड दे लोक ते आले दुआले दे लोक इस कम्युनिटी हाल की वरतों करते हैं। हुण पिंड वासियां ने NRI वीरां दे भैणां दे सहयोग नाल एक नवां काम किया है जी। इत्थे मैडिकल डिस्पेंसरी बनाई है जिस दे विच सरकारी डॉक्टर भी आउंदे ने, प्राइवेट डॉक्टर भी आउंदे ने, अते इत्थे लैब बनाई गई है जिस दे विच बहुत थोड़े पैसे लैके जिहड़े ने सारे टेस्ट किए जाते हैं। दवाइयां भी जिहड़ियां ने बाजार नालों बहुत घट रेट ते इत्थे मुहैया कराईआं जांदीआं ने। सो साडे पिंड दे सरपंच साहब इस डिस्पेंसरी दे जिहड़े मुखी ने अते सारे पिंड दे पतवंते सज्जन इस समय साडे नाल खड़े होए ने। कुछ सज्जन जिहड़े ने इस समय कुछ रजेवियां करके हाज़र नहीं भी हो सके। सो ये पिंड वासियां वल्लों एक बहुत वधिया उद्यम किया गया है जी, कम्युनिटी हॉल दा अते नाल नाल इस मैडिकल डिस्पेंसरी दा। अज दी इस रिपोर्ट दे विच अगे चल के पिंड बारे असीं होर जानकारी आप नाल सांझी करांगे जी। देखो सो असी इत्थे हर एक बीमारी का इलाज करते हैं। साढ़े को इस लांधड़ी पिंड भी आते हैं, नाल साढ़े लागे पिंड इट्टा बद्दी हैगा, चक झंडू हैगा, इधर इधर गेलना हैगा पिंड, दूसरे पिंड बिनपाल के हैगा पिंड। साढ़े को हर तरह लागे के पिंड के लोग भी साढ़े को मरीज जिहड़े हैगे दवाई लैन आउंदे। घोड़ा भाई पिंड तो भी साढ़े को मरीज हर तरह का मरीज असी इत्थे चैक करते हैं, देखते हैं, उन्हां दा ट्रीटमेंट करते हैं, आउंदे हैगे और लाभ उठा रहे हैं इस डिस्पेंसरी का। बाकी पिंडां दे विच डिस्पेंसरियां ते हुंदियां ने पर ढट्टियां हुंदियां ने, लागे गोहे दियां पाथियां पईयां हुंदियां ने, गोड़े गोड़े घा उग गया हुंदा। तुहाडा पिंड बाकियां नालों वक्खरा आ, NRI वीरां दी सहायता नाल, पिंड वासियां दी सहायता नाल इक उपराला कीता आ, तुसीं की कहना चाहोगे इस बारे? देखो जी, कुछ तो साढ़े पिंड के जिहड़े मुख बंदे आ उन्हां दी उपराले दे नाल कुछ पिंड वालों पैसा लाया गया, कुछ NRI ने पैसा भेजिया। ये हस्पताल जिहड़ा आ फ्री, किसी सरकार वालों कोई सरकारी पैसा नहीं लगा। ये पिंड का तो NRI वीर साढ़े जोड़े बहर साढ़े पिंड उन्होंने भेजे तो पैसा लगा तो ये बिल्डिंग बनाई है। इतने दूर दूर तक तो इतों तक 10 किलोमीटर तक आए, कोई 15 किलोमीटर तक आए, तकरीबन फ्री वर्गा इलाज है, फ्री डॉक्टर है। आप अपने को कमेटी तनखा दें आप बनाई है तो होर स्टाफ भी रखे, लैबोरेटरी भी है चैक करने वास्ते, तो फ्री वर्गा काम है इतने जी। सहूलत यानी कि लोगों को भोग पर जाने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे केस जिहड़े जिहड़े इत्थे हो जाते हैं। जिदा चैरिटेबल हॉस्पिटल में सस्ते रेट होंगे है, असी पैसे लेंदे हैं टेस्टां दे, हर तरह का टेस्ट इत्थे किया जाता जिहड़ा पॉसीबल हैगा। पर बाकियां दे रेट्स नालों बहुत घट रेट ते करदे हो तुसीं? हाँ जी, बाकियों के मुकाबले कंपेरेटिवली जिदा आप उपर ज़्यादा साढ़े नाल रेट हाई है। बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल जलंधर के आ, हुशियारपुर के एडे वे हॉस्पिटल है, तो उत्थे तो बहुत उन्होंने रेट ज़्यादा हाई होणगे साढ़े नालों। हमने डॉक्टर साहब ने सानू दस्या कि इतने टेस्ट जोड़े ने बहुत घट रेटा किए जाते हैं एज़ कंपेयर टू अदरस, तुम इस बारे की कहना चाहते हो इस उपराले बारे? बिल्कुल, जिमें तुम क्या NRI दे सहयोग दे नाल ते पिंड वासियां दे सहयोग दे नाल पिंड वालियां ने बड़ा वधिया उपराला कीता। बहुत सोहणी डिस्पेंसरी दी बिल्डिंग बनाई आ ते इत्थे डॉक्टर साहब आउंदे आ, बाकी स्टाफ है, लैबोरेटरी दी फैसिलिटी है, दवाइयां दी है, ते असीं नाल ये भी चाहुंदे आ कि गौरमेंट जिहड़ी आ वो भी इस डिस्पेंसरी दे विच
अपनी पूरी मदद करे तो जाके इस होर चंगे ढंग असी चला सकी। जदों असी आ रहे सी तो मैं रस्ते च सोचा भी सरकारी डिस्पेंसरी दे विच तां जिहड़ा स्टाफ है वह दुपहरों बाद चला जाता, पर जदों असी इत्थे आए तो दुपहरों बाद भी इत्थे डॉक्टर साहब मौजूद सी। की स्ट्रक्चर है इस डिस्पेंसरी का? उस सरकारी स्टाफ के नाल ही पिंड वासियां ने अपना स्टाफ एडजस्ट किया? नहीं जी, इस तरह सवेर का जो टाइम है वह सरकारी जी डिस्पेंसरी है वह स्टाफ आता, और डॉक्टर साहब है विपल कुमार जी, मत एक उन्होंने फार्मेसिस्ट है, वह आते 2 बजे तक रहेंगे। उस तो बाद पिंड वाले ने एक मेडिकल वेलफेयर सोसायटी बनाई है, उस 13 बंद मैंबर हाँ जिदा मैं खजानची हाँ, तो उस बेस से असी फिर इन्होंने डॉक्टरों संपर्क किया, इन्हों रखा जी लैबोरेटरी आ ये भी असी मेडिकल वेलफेयर सोसायटी के थ्रू ही चलाने, वह सारा अरेजमेंट असी खुद करते हैं, 2 स्टाफ रखे करने वास्ते। 2 बजे तो 4 बजे सवे साढ़े 4 बजे तक ये डॉक्टर साहब तो स्टाफ इतने बाद भी रेंगे। तो ये जी डिस्पेंसरी है ये कदों शुरू हुई, कदों तो ये सेवावान जड़िया ने ये मरीजों पिंड वासियों ज बहर के लोगों दे रहे इतों? इस तरह जी जिस टाइम साढ़े पिंड फोकल पॉइंट बनया उस टाइम ये सरकारी डिस्पेंसरी बनी सी, सरकार ने ही कहा कि असी होस्पिटल बना डिस्पेंसरी की बिल्डिंग बना के देंगे, लेकिन वो बना नहीं सके। असी एक पंचायत घर बनाया सी, पंचायत घर के बेच 78 तो लग के अज तक चली आ रही है, असी सिर्फ 5-6 महीने तो ही यह 35 लाख रुपया लाया तो आप बिल्डिंग तैयार की है। ये फिर असी वेलफेयर सोसायटी जी बनाई है वो थ्रू ही असी फिर 5-6 महीने तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। असी जिहड़ी डिस्पेंसरी बनाई है सरकार कोई सहयोग नहीं लिया, असी ये पंचायत की जगह पर आते असी पिंड के सहयोग ना NRI भरावां दे सहयोग के नाल बनाई है, तो इत्थे जाने के जिहड़े गरीब लोग आ लगभग सारे ही अपना जाने के इतों लगभग मुफ्त दे विच ही इलाज करवाउंदे आ ना मात्र पैसे दे विच ही। तुसीं कहा भी सरकार तो बिना असी अपने पिंड वासियों के सहयोग नाल बाहर जड़े वसते हैं विदेशों के थोड़े वीर वसते हैं उन्होंने सहायता ना बनाई, तुसी सरकार तो सहयोग चाहते हो? सरकार को सहयोग तो चाहते हैं, असं चाहते हैं जिहड़ा हुण इत्थे दवाइया असी अपने पैसों पर लिया के दें तो सरकार साड़ी वध तो वध सहयोग करे। सानू आस आ जिदा हुण महला क्लीनिक इन्होंने शुरू करते 15 अगस्त से भी साडा भी सहयोग कर पिंड का। देखो बहुत आप सरकार से निर्भर रह के तो गुजारा नहीं हो सकता, सानू होर दस दें असी एक कम्यूनिटी हॉल बनाया जबकि सानू सरकार वालों ग्रांट मिलती सी 2 लाख रुपया असी नहीं लई उन्होंने को। इस पिंड दे वासियां ने एक होर बड़ा सोहना उपराला किया है जिहड़ा कि पंजाबियों की खर्चीली सोच में कित ना कित विराम लाता है। तुसी मेरे पिछे देख सकते हो असी कम्यूनिटी हॉल पिंड लादड़ा के सामने खड़े हाँ। इस इन्हां पिंड वासियां ने एक कम्यूनिटी हॉल बनाया है जिदे विच के लोड़वंद लोग जिहड़े ने अपने बच्चों के विआह करते हैं, जदों कोई मर्ग हो जाती है कोई माड़ा चंगा समा आउंदा है उदों भी इस हॉल नूं जिहड़ा है वरतों दे विच लैंदे ने। इस बारे गलबात करदे मेरे नाल पिंड वासी मौजूद ने। सब तो पहला सवाल मेरा यह है कि यह जिहड़ा उपराला है जदों शुरू किया तो यह किहदी देण सी जां किहदा थॉट सी, कदों यह शुरू होया? मेरे ताया जी सी कनेडा विच रहिंदे सी तां उन्होंने आ के साडे सारे पिंड वालियां नाल सलाह की भी आप इत्थे एक कम्यूनिटी हॉल बनाईए जिदे विच कि आपां नूं हर एक गरीब अमीर कोई भी होवे कि हर एक नूं इहदी सहूलत हो सके, दुख सुख वेले इत्थे आपां नाल वधिया आपां प्रोग्राम कर सकीए। उन्हां दी सोच नूं असीं सारिआं ने एक्सैप्ट करके तां बहुत उन्होंने उपराला किया, बाहरों NRI वीरां ने बहुत साडी मदद की, और साडे पिंड वासियां ने भी जो भी किसी की शरदा सी जो जिन्ना भी योगदान पाया हर एक पिंड वासी ने माड़े तो माड़े गरीब तो गरीब ने भी इस दे विच योगदान पाया और बहुत वधिया ये साडा जिहड़ा कम्यूनिटी हॉल है सिरे चढ़िया। जदों पंजाबी विआह करदे ने ते बहुत महंगे महंगे हॉल बुक करदे ने जिन्हां दे हज़ारां ते लखां च खर्चे हुंदे ने, रज के खर्च करदे ने। इस कम्यूनिटी हॉल दे विच जिहड़ियां तुसीं सेवावां आ फ्री दिंदे आ जां फिर पैसे लए जांदे ने, की पिंड तो बाहर दे लोग भी इत्थे आ के इस हॉल दा फायदा लै सकदे ने? हाँ जी, मतलब कि असी इत्थे बहुत चार्ज जड़ा थोड़ा जा उन्ना की चार्ज रखिया होया कि जिदे विच के साडे ये थोड़े बहुते खर्च जड़े ने जड़े असी अपना हेल्पर रखे हुए ने वो उन्हां दी तनखावां निकल सकन। किन्ना कु चार्ज साडा ये पिंड वास्ते हैगा 3000 रुपया,
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਮਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 6000 ਰੁਪਈਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ 3000-6000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕਰੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਲਾਦੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ NRI ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚੀਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹਾ ਪਿੰਡ ਲਾਦੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਲਾਦੜਾ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਾਦੜਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।